हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेकन ऑटो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। हम आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको होंडा की तरफ से उसकी अपकमिंग बाइक के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन मार्केट में वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। तो ये वीडियो एडवेंचर बाइक लवर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि होंडा की जो नेक्स्ट बाइक है वो एडवेंचर बेस्ड बाइक है इंडियन मार्केट के अंदर। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इस बाइक के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, प्लस इसका माइलेज, इसकी प्राइसिंग, आपको सब चीज़ें बताऊँगा। आपको ये बाइक कितने में पड़ेगी और क्या माइलेज देगी और उसका इंजन टाइप कैसा होगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि 2021 इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है क्योंकि इस टाइम पर आपको बहुत सारी नई बाइक्स देखने के लिए मिलेगी 2021 के एंड तक। इसमें से है एक होंडा NX200। जी हाँ, होंडा NX200 होंडा की तरफ से इंडियन मार्केट में उसकी पहली एडवेंचर बाइक होने वाली है विद अफोर्डेबल प्राइस। जी हाँ, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होने वाली है एज एन एडवेंचर बाइक के रूप में। तो मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपके साथ बात करूँ तो इसका जो इंजन टाइप होने वाला है इस बाइक का वो होगा सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक नेचुरल एयर कूलिंग इंजन टाइप देखने के लिए मिलेगा आपको। बाकी इस बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो आपको 184.4 सीसी का देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैं इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करूँ तो 16.3 न्यूटन मीटर का आपको 7000 आरपीएम पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी इस बाइक के जो फ्रंट और बैक ब्रेक होने वाले हैं उसमें आपको दोनों में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा और उसमें आपको ड्यूल चैनल ABS सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा। तो ब्रेकिंग बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ऑन रोड ऑफ रोड ये बाइक आपको कम्फर्ट भी देगी, प्लस आपको पावर भी देगी, प्लस आपको राइडिंग का मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा इस बाइक के ऊपर। बाकी जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी होने वाली है, मतलब फ्यूल टैंक की जो इसकी कैपेसिटी होनी है काफ़ी डिसेंट है, 12 लीटर्स होने वाली है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लॉन्ग रूट्स पे जाने के लिए भी। बाकी अगर मैं इसका फ्यूल सप्लाई की बात करूँ तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन ही देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। इस बाइक की जो लोड कैपेसिटी होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होने वाली है, 150 kg आपको इसकी लोड कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। बाकी इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करूँ तो इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होगा। अगर आप इसको नॉर्मल रोड्स पे देखेंगे तो इसका जो माइलेज है वो आप लोगों को 30-35 किलोमीटर पर लीटर देखने के लिए मिल सकता है। प्लस हाँ, अगर आप इसे हाईवे पे ले जा रहे हैं बाइक को तो उस पर आपको इसका 39-40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल सकता है। तो माइलेज के मामले में भी बाइक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाली है, मतलब ना कम ना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। बाकी लुक्स की बात करूँ तो बाइक की लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये बाइक आपको लुक्स फैक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर इसकी पावर की बात करी जाए तो पावर भी इंजन में बहुत ज़्यादा है, आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कराएगी। बाकी अगर मैं आपको इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो इस बाइक का जो प्राइस होने वाला है वो एक्स शोरूम आपको देखने के लिए मिलेगा 1,45,000। जी हाँ, 1,45,000 इस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्राइस है और एक एडवेंचर बाइक के लिए इतना कम प्राइस होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यार। और होंडा की बाइक है तो आप इसके इंजन, इसकी परफॉर्मेंस के तो आप बस दीवाने हो जाओगे क्योंकि होंडा की बाइक की जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि आपको उसकी कुछ बाइक्स के बारे में बताओ तो CBR 150 है, CBR 250 है और CBR 650R, जैसे कि आपने इंडियन मार्केट में देखी है ये बाइक्स और इनके इंजन की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, लुक्स कितनी अच्छी होती है। तो हाँ, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बाकी अगर मैं इसको आपका कंपटीशन बताऊँ तो ये हिमालयन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन देने वाली है। सारे एडवेंचर बाइक्स को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन देगी क्योंकि इसका जो प्राइस फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं पर इसका जो प्राइस है ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत कम है। बीइंग एडवेंचर बाइक, मतलब एडवेंचर बाइक होने के साथ साथ इसका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो लोग, तो मुझे जितना लगता है काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एडवेंचर बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी इस बाइक का जो लॉन्च होने वाला है वो आपको अगस्त या सितंबर एंड तक देखने के लिए मिल सकता है, मतलब या तो अगस्त एंड में लॉन्च हो सकती है बाइक या सितंबर एंड तक ये लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी गाइस, मैंने इस बाइक के फीचर्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी है। बाकी कोई नया फीचर और आता है तो आपके लिए मैं एक और नई वीडियो इस बाइक के ऊपर लेके आऊँगा। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मैं उसको सबसे पहले सॉल्व करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप नई नई बाइकों की लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा, चलिए शुक्रिया।